21 मुद्राएं मुकेश उमेश और उषा और पिंकी, मुकेश की उषा, उमेश की पिंकी, ये हमें 21 मुद्राएं दे रहे हैं। भगवान दोनों की जोड़ी अच्छी बनी रहे। चावल फेंकिए नहीं बहनों। सुनो सुदामा नाम जपो, भूल गए सब काम, सुख सैया को छोड़ के अज भाजे लीला धाम। भैया दरवाजे पर आइए हैं जब मित्र ठाड़े, आज भगवान कन्हैया भाग पड़े। दरवाजे पर आए, आंखों से आंखें मिली, दोनों तरफ आंसुओं का प्रभाव जारी हो गया। उच्चंग में भर करके सुदामा को भगवान ने छाती से लगा लिया और खींच से तानते उस सिंहासन पर बिठालते हैं। मेरे भाइयों, सिंहासन पर बिठा लिया भगवान को, बड़ा हर्ष हुआ है। और ये योगिंदर और पुजारी यादव 201 से गुरु जी को सम्मान करके गए थे। भगवान ने सुखी संपत्ति प्राप्त कराता रहे जीवन में भी कष्ट ना आए। इसी बोरी में चावल डालिए, एक भी दाना खराब मत करिए। भगवान की भेंट है ये संतों के आश्रम में जाएगी, संतों के आश्रम में जाएगी। ये महात्माओं का भोजन है। और जो बेटियों का सम्मान करने वाले वो जल्दी सम्मान कर दें। और मुकेश और उमेश दोनों भाई गुरुदेव का सम्मान करके हमें नोटों का हार पहना करके सम्मान करते हैं और 500 रुपए समस्त स्टाफ को सम्मान दे रहे हैं। भगवान हमेशा इन भाई के घर में हमेशा दौलत ही दौलत बनी रहे, ये प्रभु से हमारी आशा है। धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं, करना कर रोए पानी पर आ।
आंखों के आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के पैर धोए, स्नान करवाया, भोजन करवाए, अपने हाथों से पान बना के सुदामा के मुंह में दे दिया और दूध की फेंक जैसी सेठ पर सुदामा को लिटा लिया। रुक्मणी रुक्मणी नाथ सुदामा के पैर दबाने लगे। पैर दबाते बाते को सकचाते को डराते हुए भगवान बोले, भैया तुम गुरु भाई हो, मेरी समझ में तुम कुटिल और कसाई हो। इतने दिन तक दूसरों के दरवाजे भटकर रहे थे, दरवाजा किसी और का था। अरे निर्दयी सखा, न कोई पत्र व्यवहार किया, न संदेश पहुंचाया, ऐसे विचार किया। रोने लगे सुदामा, कहने लगे, भैया कन्हैया हम तो न भूले, तेरी माया जीव को नचाए रही, लेकिन याद रखना जो चावल दिए थे भामनी ने वो भगवान को ना दे। मनी मन में भगवान कान लगे, इनके कर्म तो सब हुई है लेकिन आदत नहीं बदली। कहने लगे, रोए के मोहन बोले, मेरी भाभी ने का पठायो, बगल दबाए का बैठे हो मोटू नाई झटका से पोटली छीन ली, घुटनों पर खोल ली, पहला झोंक मारा, प्रथम लोकासु विप्रो अर्पणम, पहला लोक दे दिया। दूसरा झोंक मारा, द्वितीय लोकासु विप्रो अर्पणम, दूसरा लोक दे दिया। तीसरा झोंक जो भरो, रुक्मणी ने कलाई पकड़ लियो, कहने लगी, महाराज दो झोंकन में दो लोग दे दिए, तीसरा लोग भी खो रहे हो, नंगा को राजा कर रहे, मेरे नाथ भिखारी हो रहे हो। भगवान बोले, रुक्मणी तुम्हें राज्य की ममता आ गई, तुम्हें मेरे मन की ममता नहीं मिटन दे। और ये श्री गौरव यादव रामनगर से पधारे हैं, 500 रुपया से गुरु जी को 500 रुपया से सम्मान कर रहे हैं, भगवान ने सुख संपत्ति प्रदान कराता रहे। मेरे भाइयों, रुक्मणी निरुत्तर हो गई, विश्वकर्मा को बुलाया, इशारे में कह दिया, सुदामा की नगरिया का कायाकल्प कर दो। रात ही रात में सुदामा की नगरिया सैफई बन गई। मेरे भाइयों, सुबह हुआ, समारोह के साथ विदा करी, दो का चुना। सुदामा सोचने लगे, धूल फांक के आए, अपनो नूर गमा दो, एहसान को छप्पल लाई, 100 बार हटवा दिन से कही न भेद नहीं मानी। और जे सोचत भाई, जब अपनी नगरिया में आए तो लोगो न तो उनकी झोपड़िया और न उनकी डुकरिया। कान लगे, बारिक नहीं, अच्छो है चांद चुका, 24-26 हो गए, उल्टो दुबे बनाए दो। अरे कहां गई रे मेरी फूटी सी झोपड़िया, कहां गई रे मेरी टूटी सी झोपड़िया।
सुदामा सोचन लगे हम चले गए दोहरका को, कहु राजा ने हमारी ब्राह्मणी मार के भगाए दे जे महल बनवाए ले। भागे हम भागे मेरे भाइयों, झरोखन में भामरी देख रहे। आज समझ गई जैसे गो भाग पड़े तो हाथ नहीं लगेंगे। उसी समय सोने की थाली में दीपक जला के रख लिया, चमकनी चुंदरिया ओढ़ के लंबो घूंघट काट के आ गई। सुदामा लोग लोग के देखने लगो जो को है। सुशीला बोली कि पहचान ना पाओ हमें तुम्हारी प्राण प्यारी सुशीला। सुदामा बोला सुशीला।